आप देख रहे हैं रिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। कई दिनों से गुना के नागरिक इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश हो और उन्हें कब सुकून मिले। बारिश के ना होने से बढ़ती जा रही थी उमस, जिससे शहरवासी परेशान थे। वहीं पहली बारिश होते ही शहर भर में नगर पालिका प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की पोल खुल गई। हम बात कर रहे हैं ठीक नगर पालिका के पास हनुमान चौराहे की, जहां पहली बारिश के बाद ही पानी भर गया, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को मुश्किलें और बढ़ गईं। हनुमान चौराहे वाले मंदिर के पास नाली में से सरिया और कुछ पत्थर भी निकले हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा था। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कोई दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा जनहित में कई कार्य किए गए हैं, लेकिन न जाने क्यों हनुमान चौराहे पर नगर पालिका प्रशासन की नजर ही नहीं गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मनाए गए ऊर्जा विकास पर्व, इस क्रम में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रशाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जयवंत सिंह पवैया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री द्वारा बमोरी विकास खंड के ग्राम कपासी में 38.5 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित 33 KV अति उच्चतम उपकेंद्र एवं कुड़ी मंगवार में नव निर्मित 33 KV उपकेंद्र का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत गरीबों एवं श्रमिकों के लिए लागू की गई सरल बिजली स्कीम तथा मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी स्कीम के तहत हितग्राहियों को दिए गए लाभ के प्रमाण पत्र। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारेख, गुना विधायक पन्नालाल शाक्य, जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बबलू चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने बताया कि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा सिंचाई पंपों को 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए 1 करोड़ रुपया निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित हर घर को सहज बिजली उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्तमान में सौभाग्य योजना में अभियान चलाकर घरेलू कनेक्शन दिए जा रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक नहीं दिखे। और आज के आयोजन में आपका स्वागत औद्योगिक गतिविधियों महाप्रबंधक गुना श्री एस पी शर्मा जी से कृपया स्वागत उद्बोधन एवं साथ आम आदमी की जिंदगी में उजाला लाने वाले चमत्कारी योजना सरकार के भी पूरी मंगवार केंद्र का ई लोकार्पण भी मंच से कराने का फैसला करेंगे श्री शर्मा। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई संगोष्ठी, इस गोष्ठी कार्यक्रम में परिवार नियोजन के संबंध में बात की गई। बता दें कि जनसंख्या स्थितिकरण पखवाड़ा 11 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इसमें लोगों को स्थायी एवं अस्थायी परिवार नियोजन के साधनों के बारे में बताया जाएगा। विशेष रूप से नई गर्भ निरोधक गोली, अंतरा इंजेक्शन एवं छाया टेबलेट के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारे जैसे कि
गुलाबगंज निवासी युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसके पैर में चोट आई। पीड़ित कल्लू के अनुसार नदी की तरफ से आ रहा था, उसे सत्येंद्र रघुवंशी ने रोक लिया एवं रॉयल्टी की मांग करने लगा। जब युवक ने बताया कि ट्रैक्टर तो खाली है, रॉयल्टी भरे ट्रैक्टर की दी जाती है, तो इस बात पर उक्त व्यक्ति ने कल्लू को कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया, जिसकी शिकायत दर्ज कराने कल्लू कैंट थाने पहुंचा। ट्रैक्टर लेके आ रहा था नदी से, उसके भाई ने लाइटी मांगी, तो उसके बड़े भाई की फोन लगा दिया, चोरी के आज चीज में करते मारा था। कौन ने? उसका नाम है उसका भाई सचिन का। क्या बजे क्या बजे लाइटी क्यों नहीं देके आया भाई? खाली ट्रैक्टर की लाइटी मांग रहा था। काय का मारा? ये लाइटी तो चलती नहीं है। किस चीज से मारा? कुलाई से। तो कहाँ से भर के ला रहे थे तुम? खाली आ रहा था, कहाँ घाट से आ रहा है खाली। और क्या? तो वो कितने लोग थे? अकेला है था वो, मैं भी अकेला ही था। तो वो कुल्हाड़ी कहाँ से आई उसके पास? कुल्हाड़ी गाड़ी पर रह गई। खेड़ापति कॉलोनी के निवासी इन दिनों जूझ रहे हैं सड़क न होने की समस्या से। आज जरा सी देर मूसलाधार बारिश होने के बाद इस कॉलोनी में पानी भर गया, साथ इस कॉलोनी में एक ही निकासी का रास्ता है। आपको बता दें कि खेड़ापति कॉलोनी में ना ही कोई रोड डाली गई है और ना ही यहाँ पर नालियों का निर्माण किया गया है, इसके चलते यहाँ पर पानी भर गया है। बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोड पर लाल मिट्टी के कारण पानी लाल हो जाता है, जिससे बच्चों की ड्रेसें खराब हो जाती हैं। बच्चे स्कूल जाएं तो कैसे? मोहल्ले वासियों की माने तो वार्ड पार्षद जो कि कांग्रेस शासित है, जो मोहल्ले वासियों की समस्याएं नहीं सुनता, जिसके चलते चुनाव जीतने के बाद से आज तक ना यहां नालियों का निर्माण हुआ है ना ही सड़कें बनी हैं। धरनावदा चौराहे पर आम रास्ते में ग्रामीणों के लिए रखा है मौत का सामान। धरनावदा चौराहे पर महज सड़क से 2 फीट ऊपर लगी है डीपी। ग्रामवासियों व क्षेत्र के लोगों को बना मुसीबत का सबब। कल शाम को बच्चों ने बातों ही बातों में गीला डंडा लगाने जा रहे थे, उन्हें क्या पता था कि ये कोई खिलौना नहीं। रागीर की निगाह पड़ते ही रागीर चिल्ला उठा, जिससे बच्चों ने दौड़ लगा दी और वह वहां से दूर भाग गए। बाल बाल बच्चे, मासूम बच्चे। हालांकि खतरा तो टल गया है, लेकिन खतरे की घंटी अभी भी बज रही है। इसी को लेकर विद्युत मंडल सुपरवाइजर अरविंद राणा से बात होने पर बताया कि प्रधानमंत्री सड़क प्रबंधन द्वारा एस्टीमेट मांगा गया था, जो 18 लाख के लगभग बना है। यह कार्य होगा उसके बाद ही इसे यहां से हटवाया जाएगा। इधर दूर, थोड़ा दूर से निकल। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। हत्या का आरोपी गिरफ्तार। थाना म्याना अपराध क्रमांक 115/18 धारा 302 IPC का आरोपी बेस्ता पुत्र खेतिया बारेला उम्र 50 वर्ष निवासी खेरी कथा को मोहदरा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने कल खेत पर अपने लड़के को लाठी मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाठी भी बरामद कर ली गई है। उक्त लाठी पर खून भी लगा है। आरोपी को कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपी को पकड़ने में TI माना राकेश गुप्ता, SI चौकी उमरी पंजाब सिंह, प्रधान आरक्षक भवर सिंह, आरक्षक महेंद्र वर्मा व अशोक गुर्जर का सराहनीय योगदान रहा। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पगारा स्थित सिंध नदी में आज एक बड़ा हादसा होने से टला। जब सिंध नदी में एक युवक रेत भरने के लिए उतरा, तभी अचानक केंद्र में पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके चलते युवक अपनी जान बचाकर तो भागा, लेकिन ट्रैक्टर उसी में रह गया। ग्रामीण भी इस जद्दोजहद में है कि ट्रैक्टर को बाहर निकाला जाए तो कैसे, अचानक इतनी तेजी से पानी कहां से आ गया। इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वीडियो में डाल दिया। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।